क्रिस्टलीकरण के अंतिम चरण के बारे में पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये विशिष्ट गमन है प्रोटीन्स का विद्युत आवेश के क्षेत्र में जो कि शुद्धिकरण का आधार बनाता है। भिन्न प्रोटीन्स भिन्न दर से गमन करती हैं और पृथक हो जाती हैं। ये विधि जो है केवल विश्लेषणात्मक और छोटे मात्रा में जब नमूना होता है उसी पर करी जा सकती है। अधिक मात्रा जब नमूने की होती है तो उस पर ये तकनीक नहीं अप्लाई की जा सकती है। इसमें जो अणुओं की साइज कम होती है वो अधिक दर से गमन करते हैं और जो बड़े आकार के या बड़े अनुभार के अणु होते हैं वो कम दर से गमन करते हैं। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में पीएच रखा जाता है वो अधिक रखा जाता है, क्षारीय रखा जाता है, जिससे हर प्रोटीन पर ऋणात्मक आवेश हो और सारी प्रोटीन्स एनोड की तरफ गमन करें। और इसमें जो है जिन मॉलिक्यूल्स का जिन अणुओं का समान भार एवं आकार होता है और आवेश होता है वो एक बैंड के रूप में गमन करते हैं। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये प्राकृतिक परिस्थितियों से के समान ही होती है और यहाँ पे एंजाइम अपनी जैविक क्रियाशीलता दर्शा सकती है। ये प्रायः हम इसलिए करते हैं जिससे हम एंजाइम की सक्रियता का अध्ययन कर सकें। प्रोटीन्स यहाँ पर अपने अणुभार और आवेश जोड़ में उपस्थित हैं उसके आधार पर, दोनों के अनुपात के आधार पर पृथक होती हैं। और जब उनका पृथक्करण करते हैं जेल में तो या तो जेल में ही हम क्रियाधार मिला देते हैं जैसे स्टार्च मिला सकते हैं, या फिर उसके पश्चात पृथक्करण के पश्चात जेल के ऊपर हम ऐसा क्रियाधार और रिएक्शन मिक्सचर डालते हैं जो कि रंगीन यौगिक या उत्पाद बनाए जिसे हम जो हम देख सकें और उससे हम पता लगा सकें कि हमारे एंजाइम प्रोटीन कहाँ उपस्थित है, क्योंकि जहाँ उत्पाद बनेगा उस जगह रंगीन यौगिक हमें दिखेगा। जब भी हम नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हमेशा सैंपल्स दो जगह लोड करते हैं, जेल को बीच से काटते हैं, एक हम उनके जैविक सक्रियता के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं एंजाइम प्रोटीन का, और दूसरा भाग जेल का हम मैसिव ब्रिलियंट ब्लू से स्टेन करते हैं और उसमें कितनी अशुद्ध प्रोटीन उपस्थित है वो भी हमें पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ जैविक सक्रियता एक अणु दिखा रहा है पर यहाँ पे चार बैंड्स दिख रहे हैं, तो सिर्फ हमारी यही एंजाइम प्रोटीन है जो कि सक्रियता दर्शा रही है, बाकी सब कंटामिनेटेड प्रोटीन्स हैं, तो इसका हमें पता लग जाता है। SGS पेज जो है वो मॉलिक्युलर मास डिटरमिन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, प्रोटीन का अनुभार ज्ञात करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें हम डीनेचरिंग परिस्थितियाँ का उपयोग करते हैं। SGS प्रोटीन से जुड़कर ऋणात्मक आवेश दे देता है प्रोटीन का, इसके कारण वो डीनेचर हो जाती है। यहाँ पे जो प्रोटीन का पृथक्करण है वो सिर्फ उनके मॉलिक्युलर मास के आधार पर होता है। जो मार्कर्स यूज़ करते हैं SGS इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिससे कि हम अपने टेस्ट सैंपल का मॉलिक्युलर मास डिटरमिन कर सकें। जो अधिक अणुभार का मॉलिक्युलर मार्कर है वो कम दूरी गमन करेगा और जो कम अणुभार का मॉलिक्युलर मार्कर है वो अधिक दूरी गमन करेगा। इससे हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और परीक्षण नमूने का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। समविद्युत फोकसिंग कर सकते हैं, ये स्टेबलाइज पीएच ग्रेडियंट में की जाती है, स्थिर पीएच प्रवणता जिसमें होती है ऐसे माध्यम में की जाती है। यहाँ पे प्रोटीन्स का पृथक्करण इस आधार पे होता है जो अपने समविद्युत पीएच में भिन्न होती है। इवन अगर 0.01 इकाई द्वारा भी उनका आइसोमेट्रिक पीएच भिन्न होगा तो वो प्रोटीन पृथक हो जाएगी। पीएच प्रवणता बनाने के लिए हम एम्फोलाइट्स का उपयोग करते हैं। इस तकनीक के द्वारा हम जो माइक्रो हेट्रोजेनिटी है, सूक्ष्म अंतर है प्रोटीन्स की संरचना में, उसका अध्ययन कर सकते हैं। हो सकता है दो प्रोटीन्स एकदम समान हो, सिर्फ उनमें एक फॉस्फेट समूह या एक ग्लाइकोसिल समूह में अंतर हो जो उनकी साइड चेन्स हैं, तो उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि वो IPH में परिवर्तन ला देता है। फिर क्रिस्टलीकरण, जब एंजाइम काफ़ी शुद्ध हो जाती है, एक नदली प्योर स्टेट में आ जाती है, तब हम उसका क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण ये आधार नहीं होता कि एंजाइम शुद्ध है, कई सारे क्रिस्टलीकरण करने पड़ते हैं, तो इंसान हर क्रिस्टलीकरण
विशिष्ट सक्रियता एंजाइम की बढ़ती है और कई सारे करने के बाद वो स्पेसिफिक एक्टिविटी विशिष्ट क्रियाशीलता स्थिर होती है, अर्थात एंजाइम काफी प्योर स्टेट में आ चुकी है। क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए हम प्रायः अमोनियम सल्फेट का उपयोग करते हैं।